वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है कि रात वेले ये पाठ करके सोया करो तो दुनिया दे सब तो धनवान इंसान बन जाओगे। तो फिर वो केड़ा पाठ आ जो सानू धनवान बना देवेगा, ये गल आपां अज दी वीडियो विच करांगे। इस करके पूरी वीडियो नू अंत तक ध्यान दे नाल सुनना समझना। जेकर वीडियो चंगी लगी तो फिर इसनू लाइक ते शेयर जरूर कर देना अते नाल नाल कमेंट बॉक्स दे विच जाके धन गुरु नानक देव जी जां फिर वाहेगुरु जी जरूर लिख के आना। तो आओ अज दी वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी उस पाठ बारे गल करन तो पहला आपां गल कर लईए कि असल धनवान कौन हुंदा है, क्योंकि साढ़े लिए धनवान की परिभाषा है कि जिहदे कोल बहुत सारा धन होवे, बहुत जमीन जायदाद होवे, उह धनवान आ। पर महापुरख जी कहिंदे असली धनवान उह बंदा है जिहदे कोल नाम की कमाई आ, जिहदे कोल सतगुर सच्चे पातशाह दा मिठा अते प्यारा नाम आ, जो अमृत वेले उठ के उस मालक की सिफत सलाह कर रहा है, जो अपने मालक दियां दित्तियां होईयां दातां दा शुकराना कर रहा है, जो अपने मालक दे भाणे दे विच खुश आ, उह है असली धनवान। जिस मनुख दे अंदर सरबत दे भले दी भावना है, क्योंकि देखो जी दुनिया दे विच बहुत सारे इंसान अजिहे ने जिन्हां नूं मालक ने बहुत कुछ दिता है, बहुत दाता ने उन्हां दे कोल जमीन जायदाद धन दौलत बहुत कुछ आ, पर उन्हां दे अंदर किसी नूं कुछ देण दी बिरती नहीं आ, भावना नहीं आ, भाव कि वह अपने हाथी ना तो दान पुन कर सकते हैं ना ही किसी का भला कर सकते हैं। पर जेकर सतगुरु सच्चे पातशाह ने साडे अंदर किसी का भला करन दी भावना पाई आ, जेकर साडे हाथ किसी की मदद दे लई अगे वध रहे आ, तां साडे नालों वड्डा धनवान कोई हो नहीं सकता। तो इस करके अपने आप नूं धनवान बनाउण दे लई सतगुरु सच्चे पातशाह की मिठी अते प्यारी बाणी दे लड़ लगना पैना है। अपने आप नूं असल धनवान बनाउण दे लई सतगुरु सच्चे पातशाह दा ज्ञान हासिल करना पैना है, जो ज्ञान सानूं साडे गुरु साहिबानां ने गुरबाणी दे राही दित्ता है। तो फिर आपां वध तों वध गुरबाणी पढ़नी आ सुननी आ, तां ही साडी जिंदगी दी निराशा साडी जिंदगी दे दुख दूर होणगे। तो फिर सब तो पहला आपां अपना अमृत वेला पक्का करना है, अमृत वेले उठ के बाणी पढ़नी आ। पर साडे विचों बहुते मनुख अजिहे ने जो कहिंदे साडे कोलों अमृत वेले उठिया नहीं जांदा। तां अमृत वेले उठण दे लई सब तो पहला सानूं रात दा वेला संभालना पैणा है, रात नूं समय सिर सौ जाणा भाव कि जल्दी सौणा अते थोड़ी जिही भुख रख के सौणा, क्योंकि जदों असीं पेट भर के भोजन छक के सौने आ ना फिर सानूं अमृत वेले जाग नहीं आउंदी। पर जे भुख रख के खावांगे भाव कि जे सानूं तीन प्रशादियां दी भुख आ तां उत्थे दो प्रशादे खा के सौना, तां इहदे नाल सानूं रात नूं नींद भी सोहणी आवेगी अते अमृत वेले जाग भी आ जावेगी, अते अमृत वेले उठ के आलस बिल्कुल नहीं पवेगा, उनिंदरा महसूस नहीं होवेगा, शरीर बड़ा सोहणा हल्का फुल्का चुस्ती दे विच रहेगा। तां इस करके जेकर सवेरे अमृत वेले उठना है, उठ के अपने सतगुरु सच्चे पातशाह की मिठी निघी गोद का आनंद मानना है, भाव की बाणी पढ़नी आ, तो फिर सानू रात का वेला हर हाल के संभालना पैना है। शाम 6 तो लैके 9 बजे तक कुछ समा सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में हाजरी लगवानी पैनी आ। शाम को आप रहरा साहब का पाठ करते हैं, वह तो उस तरह करना है, अते रहरा साहब का पाठ करके भी दिन भर दियां दातां दा शुकराना करना अते अमृत वेले की दात जरूर मंगनी है। फिर भैणा मेरियां खाना बनाउंदियां होईयां सतगुरु सच्चे पातशाह का नाम जप सकदियां ने, भावे मूल मंत्र का जाप कर लो, चौपाई साहब जी की बाणी पढ़ लो, सत नाम वाहेगुरु जी का जाप कर लो, किसी ना किसी तरीके दे नाल अपने मन नूं गुरु चरणा दे नाल जोड़ के रखना है, जां फिर एक थां ते बैठ के 5-10-15 मिनट उस सतगुरु सच्चे पातशाह नूं याद कर लेना, दिन भर दियां गलतियां दे लई माफ़ी मंग लैनी, जो भी मन दे उत्ते कोई बोझ आ चिंता है परेशानी आ वह अपने सतगुरु सच्चे पातशाह दे नाल सांझी कर लैनी। तो देखना साड़ी जिंदगी दे विच्चों दुख निराशा खत्म हो जाएगी, क्योंकि साड़ियां सारियां मुश्किलां दे हल सतगुरु सच्चे पातशाह आप करदे ने, पर जे असी करवाउणा चाहिए
असी सतगुर सच्चे पातशाह नूं छड्ड के लोकां कोल भजदे आं। सानूं लगदा कि साडे दुख दर्द दा हल साडे किसे भैण भरा ने कर देना है, साडे किसे रिश्तेदार ने कर देना है, पर असी गलत आं। जो कुछ हो रहा है उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी की मर्जी दे नाल हो रहा है। इस करके सब कुछ करन वाले ओ ने, जे ओ चाहुण तां ही साडी कोई मदद करेगा, जे उन्हां दी मर्जी नहीं तां फिर लोकां ने हुंदिया होया चीज तो भी सानूं मना कर देना है। इस करके जदों भी जिंदगी विच कोई दुख तकलीफ कोई भी परेशानी आउंदी है ना, सब तो पहला सानूं उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी दे अगे अरदास बेनती तरला करना चाहीदा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी, मेरी जिंदगी दे विच ये मुसीबत आ गई आ, ये मुश्किल की घड़ी आ गई आ, हुण आप जी कृपा करके बाहर कढ़ो तो देखना सतगुरु सच्चे पातशाह सारे ही हल कर देंगे, साढ़े रस्ते साफ कर देंगे, रस्ते दियां रुकावटां नूं दूर कर देंगे। जदों असीं मालक दे उत्ते भरोसा रखदे हां ना, तां ओह वाहिगुरू अकाल पुरख जी सानूं कदे वी दुखी जां निराश नहीं होण दिंदे। फिर तां जिंदगी दे विच जिन्ना मर्जी वड्डा दुख आ जावे बंदा दुखी हुंदा ही नहीं, क्योंकि उहनूं पता है कि वाहिगुरू अकाल पुरख जी मेरे नाल ने। तां इस करके ना सब तों जरूरी आ सतगुरु सच्चे पातशाह दे उत्ते भरोसा, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਨਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਦੇਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੌ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ।